ठीक है बाबू लोग ध्यान दो। देखिए ये कल तक मैंने पहला वाला में क्या पढ़ाया था, किसके हाइड्रोजन के कंपाउंड, उसके बाद ऑक्सीजन के कंपाउंड, ऑक्साइड के कंपाउंड, हाइड्रोजन कंपाउंड पहले पढ़ाए थे, नहीं क्लोराइड के कंपाउंड पढ़ाए थे, उसके बाद ऑक्साइड के कंपाउंड, उसका सल्फेट के कंपाउंड, आज पढ़ा रहा हूँ मैं कार्बोनेट के कंपाउंड। कार्बोनेट क्या होता है जानते ना, CO3 चार्ज बताओ -2 है ना, यानी कि वैलेंसी 2 लेंगे। तो अब बताओ ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाना है, सिंपल बात है, हाइड्रोजन का +1 होता है, कार्बोनेट का 2+-2 होता है, 1, 2 क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करो H2CO3 H2 हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है कुछ नहीं इसमें। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट तो फेमस है, इसमें 10H2 लगा दोगे तो वॉशिंग छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो सोडियम का भी ऐसे ही बनेगा, बस ये कार्बोनेट का 2 जो है वो क्रॉस होकर के इधर आ जाएगा Na2CO3। इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, थोड़ा सा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ज़्यादा नहीं। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का पता है तुमको, एल्यूमिनियम कार्बोनेट का बनाना है तो एल्यूमिनियम का कितना होता है साहब 3, कार्बोनेट का 2, कार्बोनेट याद ना, कार्बोनेट अकेले रेडिकल है, ये क्या है -2+3, उसका क्रॉस गुना करो, तो मैंने बोला रेडिकल में कभी मल्टीप्लाई करना होगा तो ब्रेकेट लगाना पड़ेगा, तो Al2CO3 का होल 3 ऐसे, चलो तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये हो गया पोटासियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत फेमस है, मार्बल भी होता है इसका, संगमरमर जिसको बोलते हैं हम लोग आम भाषा में मार्बल, ओके हाँ, और कुछ इसका नाम है क्या, मार्बल ही बोल देता है, इसका कॉमन नाम भी लिख सकते हो मार्बल, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक कार्बोनेट और ये अमोनियम कार्बोनेट, क्या चीज़ 2 से मल्टीप्लाई जाएगा, कुछ नहीं है। बाइकार्बोनेट, इसको एच ये बोला था, बाइकार्बोनेट क्या होता है HCO3 -1, कितना -1 चार्ज, तो बाइकार्बोनेट का अगर निकालना है तो सोडियम बाइकार्बोनेट को मैंने बोला था कि इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ये एक रेडिकल है, क्या है नेगेटिव रेडिकल है, ठीक है, तो इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे। अभी बहुत फेमस कंपाउंड पता है, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ो, एक पढ़ने का तरीका तो ये है, दूसरा एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी पढ़ सकते हो, और इसका कॉमन नाम है, ये पॉपुलर नेम है, क्या है, बेकिंग सोडा, क्या चीज़ बताओ, खाने वाला सोडा, और ये कपड़ा धोने वाला सोडा तब बनेगा जब इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल ऐड होंगे, माने इसमें 10 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे तो इसको बोलेंगे खाने वाला सोडा, सॉरी कपड़ा धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा, क्या चीज़, 10 वाटर के मॉलिक्यूल मिलते हैं तब, ठीक है ना, तो ये हो गया वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, बट ऐसे ये ऐसे सोडियम कार्बोनेट है, क्या है, ओके एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोल देते हैं, एनहाइड्रस नाम सुने हो ना, चलो उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, बनाओ कैसे, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को CO3 माइनस ऐसे ले लोगे -1+2, ओके 1 क्रॉस गुना करो, 2 से मल्टीप्लाई होना ये, तो MgHCO3 का होल 2, क्लियर, बहुत आसान है। एल्यूमिनियम का 3 से मल्टीप्लाई होगा, एल्यूमिनियम बाई कार्बोनेट KHCO3 का पढ़ो उसको, नहीं ऐसे पढ़ना, पोटेशियम हाइड्रोजन तो चले गए, पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी चलेगा, या पोटेशियम बाई कार्बोनेट, इसको बोलते हो कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ये सब ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, ज़्यादा जरूरत होता है फिर भी फॉर्मूला निकालने आ गया, सीख गया, कोई डाउट नहीं, मेन मुद्दा है कि चार्ज याद रहना चाहिए, चार्ज तब याद होगा जब बार बार प्रैक्टिस करो लिख लिख करके, ओके चार्ज याद रहेगा कहीं पर भी हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, क्वेश्चन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके अब बाकी जहां जहां यूज होगा लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बोनेट के हो गए कंपाउंड, किसके हो गए, कार्बोनेट के हो गए, यहां पर लिख देना इसका नाम, थोड़ा सा कॉमन नाम मार्बल, क्या लिख दोगे, मार्बल, मार्बल से लिखा क्या, ठीक है मार्बल, मार्बल संगमरमर बोलते हैं हिंदी में, संगमरमर याद है, हाँ लाइम स्टोन भी बोल सकते हैं, हाँ ना लाइम स्टोन सही बोले हो, लाइम सही बोली तुम, लाइम चूना पत्थर हिंदी बोलते हैं, लाइम स्टोन, ठीक है ना, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट का, मिक्स नहीं करना है, जिंक कार्बोनेट अलग है, ठीक है जी बाबू, तो इसको रहने दो, आप तुम लोग इसको नोट करो, जो नोट कर चुका है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नाइट्रेट के कंपाउंड, कैसे कंपाउंड, नाइट्रेट अपना लास्ट होगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ओके देखो तो ये लास्ट मैंने लिख दिया, ज़्यादा नहीं, नाइट्रेट कंपाउंड, नाइट्रेट में क्या होता है NO3-, ठीक है, नाइट्राइट का भी लिख सकते हो, सबका लिख सकते हो, देखो नाइट्रेट में हाइड्रोजन नाइट्राइट, नाइट्राइट का बन है, हाइड्रोजन का बन है, 1-1 काम चल जाएगा, ठीक है, सबको निकालना सीखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कहीं पर भी होगा कोशिश करना सबको निकालना, ये 1 ये +1 तो ये 1-1 क्रॉस करोगे, 1 से कोई फर्क नहीं, हाइड्रोजन नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट का होता है, मैग्नीशियम का +2 होता है चार्ज, मैंने बोला चार्ज बनाते बनाते याद हो जाएगा, बार बार रफ कॉपी में बनाओगे इसको तो ज्यादा फायदा होगा, 2-1 क्रॉस करो तो हो जाएगा तुमको मैग्नीशियम का 1 NO3 का होल 2, NO3 का
होल टू, एल्यूमिनियम में थ्री आएगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम में क्या हो जाएगा, एनओ थ्री का होल थ्री, एल्यूमिनियम नाइट्रेट, पोटासियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट। अमोनियम में भी बन होता है, नाइट्रेट का भी बन होता है। तो ये याद रखना कि एनओ थ्री को नाइट्रेट कहते हैं, ये पता है, रेडिकल है, माइनस वन चार्ज होता है, तो तुमको सारा चीज बन जाएगा। नाइट्राइट का माइनस वन, फिर सल्फेट बनाया एसओ फोर माइनस टू, असल्फाइट माइनस टू, याद है ना, तो असल्फाइट एसओ थ्री को बोलते हैं। तो कोई भी बनाया जा सकता है। तो ये कंपाउंड सबका नाम मैंने सिखा दिया। अब कुछ कॉमन नाम है कुछ कंपाउंड का, वो एक जगह डिटेल से कर दे, जैसे मैंने बोला हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो उसी से मैंने नाम लिखा दिया था। कुछ और नाम सब मैं लिखा देता हूं एक जगह, ठीक है, कुछ कॉमन, कुछ ज्यादा नहीं है, एक जगह कर देता हूं, ठीक है, ठीक है, उसको मैं एक जगह कॉमन कर देता हूं। चलो ठीक है, चलो देखो जी कुछ कॉमन नाम क्या है। जैसे मैंने बोला तुम लोगों को, जैसे वाटर का एक कोवेलेंट कंपाउंड है, रूल के हिसाब से इसका नाम होना चाहिए डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या केमिकल नेम है ये, बट इसको कॉमन नाम ही इतने प्रचलित है ना कि उसी को हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। वाटर का चीज, वाटर, अब कौन सर वाटर का मजाक है सर। एक और कंपाउंड लिख रहा हूं मैं, H2O2, इन्हें के दो को दो से काट दोगे बर्बाद हो जाएगा। इसका नाम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या नाम है? हाइड्रोजन, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। पर ऑक्साइड टर्म तब लगता है जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसको परऑक्साइड बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज। क्या नाम है? जैसे वाटर का तो बना होगा ना, तो वाटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है जानते हो ना? ये वाटर का स्ट्रक्चर है, कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे बना सर, कैसे आप बना दिए भोपूलाल को, कैसे बना दिए, ये सब सीखेंगे, ठीक है ना, स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे पूरा, चिंता नहीं करो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है, तो ये वाटर है, लेकिन जब तुम उसका उसका बनाओगे H2O2 का, तो कैसे बनाओगे? ओ ओ ओ ऐसे, ध्यान दो, ओ और ओ के बीच में कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। जनरली ओ के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जैसे O2 बनाओगे ना O2, तो डबल बॉन्ड होता है, ओके, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, इसको परऑक्साइड लिंकेज कहते हैं। जब भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं परऑक्साइड। जब भी कहीं पर परऑक्साइड टर्म आ जाएगा, समझ जाओ कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए ही इस्तेमाल किया गया परऑक्साइड। ऑक्साइड लग गया ना तो ऑक्सीजन ना होगा, सिंपल सा बात है। क्लियर हो गया? तो ये H2O, इसका नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ओके, ये कॉमन नाम से ही फेमस है, ठीक है। इसको कौन माँ का लाल नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है इसको? अमोनिया। इसको इसे केमिकल नेम नाइट्रोजन ट्राइहाइड्राइड बन जाएगा, वो आगे पढ़ेंगे, ओके। वैसे आगे देखते हैं इसके लिए फेमस नाम क्या होगा। अमोनिया, अमोनिया, निमोनिया नहीं बोलना, याद करने बच्चे लोगों को, जब छोटे क्लास में पढ़ाते बोलते निमोनिया बोल दो, याद आएगा अमोनिया, ठीक है, कभी बोलेगा अनिस्तरी अमोनिया, ठीक है जी, अमोनिया। और कुछ है जैसे PH3, नाम सुने इसका, फॉस्फोरस ट्राइहाइड्राइट, जो भी है, लेकिन इसका फेमस नाम है जानते हो, फॉस्फीन। क्या बोलते इसको? कुछ केमिकल है, सब याद रखना, फॉस्फीन। क्या नाम है इसका? हाथ भी चलाते रहो, फॉस्फीन। क्या नाम है इसका? फॉस्फीन, ठीक है। अब इसको तो सब जानता है, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, ये तो मजाक वाला बात है, हाइड्रो, उस दिन भी लिखा है मैंने ना, हाइड्रोक्लोरिक, एक बार लिख देता हूँ एक जगह, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कॉमन नाम है, जबकि इसका केमिकल नेम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, लेकिन इसका फेमस नाम ही बहुत ईजी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसका H2SO4, ये तो कौन नहीं जानता है इसको यार, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है? अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड, किंग ऑफ, हिंदी बोलते हैं अम्ल राज, सुने हो, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। ये तुमको हमारे अमाश्य में प्राप्त होता है, माने मिलता है, पेट में निकलता है ये एसिड, पता ना, एसिड का बहुत बड़ा काम है, तो ये गैस्ट्रिक जूस का काम, गैस्ट्रिक जूस में है ना, बोल सकते हो। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड तुम बैटरी उटरी में इस्तेमाल होता है, तेजाब वगैरह में, सुने हो। एक और है HNO3, वैसे इसका नाम है हाइड्रोजन नाइट्रेट, मैंने कहा हाइड्रोजन नाइट्रेट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, लेकिन इसका फेमस नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड। क्या नाम है? ये कॉमन नाम है इसका, यही से फेमस है ये, ठीक है ना, जो प्रचलित नाम है वो ये मैं लिख रहा हूँ, नाइट्रिक, ये जानते हो बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल से बनाने में, ठीक है। ये तो इसको तो मैंने पहले कुछ साल पहले ही पढ़ाया, भाई कुछ देर पहले पढ़ाया, सॉरी, बेकिंग सोडा, क्या बाबू? फॉस्फीन, कहाँ पढ़ते इसको? फॉस्फीन, फॉस्फीन, कहाँ गए फॉस्फाइन, हाँ फॉस्फाइन ही पढ़ते ना, अच्छा ये होता है, इसका होता है Na2CO3 into 10H2O,
वॉशिंग सोडा, वॉशिंग हिंदी बोलते धोवन सोडा, कौन सोडा, धोबिया सोडा, ये भी नाम है, क्या नाम है इसका, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, ठीक है जी। अच्छा और नीचे आएगा ना, देखो देखते रहो, इसका नाम सुने हो, Na2B4O7, या तो B4O7 को क्या बोलते थे याद है, टेट्रा बोरेट, यार टेट्रा बोरेट मैंने रेडिकल बताया था, टेट्रा बोरेट इसका दो चार्ज होता है, दो इधर गुना हो गया, इसको बोलते सोडियम टेट्रा बोरेट, बट ये किसका कॉमन नाम इतना फेमस है ना, हाँ बोरैक्स सुहागा, क्या बोलते इसको, हाँ मम्मी से जाकर पूछोगे, मम्मी को पता होगा, रियल बोल रहे, हंसने वाली बात नहीं, मम्मी को पता होगा, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा CaSO4 2H2O, नाम सुनो ना, इसका केमिकल नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कह रहा हूं इसका डाई, जैसे इसका नाम जैसे इसका कैल्शियम दो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, उसी का नाम ये फेमस कॉमन नाम है वॉशिंग सोडा, ऐसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, क्या नाम है जानते हो इसका कॉमन नाम, हाँ कौन इसको नहीं जानता है, जिप्सम, पेरिस प्लास्टर बनाने में तो ये तो काम किए थे, SEM, ओ ये गलती लिख दिया मैंने, होता है कभी कभी, जिप्सम, चलो इधर मिटाओ इधर वाला, कैट होगा नीचे ना आएगा और आ जाएगा, आ जाएगा, तो एगो जिप्सम लिखिए दिया था, एक और लिखिए देते हैं, दो आ जाएगा, CA एक को लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, CH4 half H2O, ये तो कौन नहीं जानता है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट या सेमी हाइड्रेट, केमिकल नेम इसका केमिकल नेम, पॉपुलर नेम कौन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस में पाया जाता है, जा सही बोल रहे हैं, याद है ना, पाया जाता था, सोर्स था पहले स्टार्टिंग में, इसलिए उसका नाम वहीं से रखा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, या क्या कमाल के बंदे हो तुम लोग, मिटाओ इसको, हम भी सोचते थे कि पेरिस क्यों आया, पेरिस फ्रांस वाला ये नाम क्यों आ गया, तो वहां से सोर्स है इसका नाम रखा गया, हो गया, चलो ये हो गया बाबू, चलो कैल्शियम हो गया, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैमा हो गया, नंबरिंग कर लेना तुम लोग, नंबरिंग करना नहीं भूलना, ये तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है, नंबरिंग तुम लोग खुद से कर लिया करो, ये सब भी बताना पड़ेगा, शर्म वाली बात है, सारा अली पर खाली छाप रही है, दुनिया में कोई काम ही नहीं है, और कभी तो अपना दिमाग लगा लिया करो, सही है जी, बारह हो गया, ये सब कॉमन कंपाउंड है, जिसका नाम कॉमन ही रहेगा, कॉमन ही यूज होता है, उसका 30 नंबर देख लो, 13 देखोगे जी, अब मैंने बोला था कि CuSO4 5H2O, कैल्शियम सॉरी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, लेकिन इसे मैंने बोला ब्लू विट्रॉल, ब्लू कलर का होता है ये, किस कलर का, ब्लू विट्रॉल VTERO, ये गलती नहीं कर सकते हैं, गलती करें तो बहुत दिन इसको याद किया हमने, ब्लू विट्रॉल, ठीक है, चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर, मैंने कंपाउंड नंबर 14 FeSO4 7H2O, इसको बोलते ग्रीन विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, नोट करते जाओ दम छाप दो, एक और ZnSO4 5H2O, मैंने बोला था वाइट विट्रॉल, वाइट विट्रॉल ज्ञान के लिए सब, 16 नंबर, कहीं पे नंबरिंग में गलती हो जाए तो मुझे माफ करना, ओ यार ओ माफ करना, आ आ आ 10 नंबर, सोडियम Na2B4O7, सोडियम टेट्राबोरेट, इसका नाम है बोरेक्स, क्या नाम है, बोरेक्स सुहागा, लिख लेना हिंदी में, समझे, को हम भूल ही हो गए हम क्या लिखने वाले थे, भुला दे, हाँ ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, क्विक लाइम, क्या नाम है, क्विक लाइम, वैसे कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है, हिंदी में बोलते हैं कली चूना, कौन चूना, या बिना बुझा चूना, हाँ बोले थे ना, एक और बोलो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम है इसका, नाम है स्लैग लाइम, इसको बोलते हैं बुझा चूना, क्या बोलते बाबू, हाँ बुझा चूना, बुझा भींगा हुआ चूना, पानी में भींगा दिया, हम तो ऐसे याद रखे हुए हैं, कभी भूलते ही नहीं है, बुझा चूना, इसको तो कौन माँ का ला नहीं जानता है, अभी बोला था मैंने लाइम स्टोन या
मार्बल, संगमरमर या चूना पत्थर जो बोल दो, खड़िया भी बोलते हैं इसको, चौक, चौक का फॉर्म लगे खड़िया। कितना नाम है सर इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। इसको कौन माँ का लाल नहीं जानता है? इसको जो नहीं जानता होगा ना उस पर लानत होगा, लानत होगा कि ना होगा ये ट्वेल्थ का ही हो रहा था समझे, एक जगह ट्वेल्थ का वाइवा हो रहा था केमिस्ट्री का, साइंस का, ट्वेल्थ क्लास का समझे, तो उसको पूछा कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ समझे, एक क्वेश्चन नहीं बता पाए ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बता पाए। बड़ी हंसी आई किसको जिसको आता था कि ट्वेल्थ में एग्जाम पास भी करके वाइवा हो रहा है उसमें कॉमन सॉल्ट नहीं आता है। कॉमन सॉल्ट हंसने वाली बात नहीं है, कभी हंसना नहीं चाहिए हम जुट्टू का हंसा रहे हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम सुनो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा बताऊंगा, बताऊंगा ना 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 बता जल्दी। मिल्क ऑफ, ये केमिकल मिलता है कहीं ना कहीं यूज किया गया होगा, याद होगा कहाँ यूज किया जाता है, यस सही बोली सही बोली, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये हो गया कॉस्टिक सोडा, किसको बोलते जानते हो, कब NaOH को, वो याद आ गया, भले याद रहते लिखे नहीं हुए हम, NaOH को क्या बोलते हैं, हाँ ये है कॉस्टिक सोडा, लो लिख देता हूँ कॉस्टिक सोडा, कास्टिक सोडा नहीं लिखा ना सही, मैं ना टच कर दो, टच कर दो अभी, गलती अगर लिखा होगा तो कृपया करके माफ करना, अब तीन चार गोया बस, हो गया सब। इसको माँ को नहीं जानता है, इसको जो नहीं जानता है ग्लूकोज, वैसे यहाँ एक बात बताऊँ मैं तुमको, यही ग्लूकोज होता है, यही फ्रक्टोज होता है, याद आया कुछ सौ साल पहले बताए थे हम लोगों को मैट्रिक क्लास में, यही ग्लूकोज होता है, यही ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, सुक्रोज का और शुगर का सेम होता है। लिख दूँ आपको, काहे सेम होता है, नहीं जानते हम, नहीं जानते, बॉन्डिंग में फर्क होता है, वो आइसो ये पढ़ो ना आइसोमेरिज्म, क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया, समाव्यपता। तो मैं लिख रहा हूँ शुगर का, या शुगर निकल गया C12H22O11, ये शुगर लिख दो, चीनी, सुक्रोज भी कहीं पर लिखा रहेगा ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रक्टोज का भी यही होता है, फ्रुक्टोज, स्पेलिंग गलती करेंगे तो माफ करना, ओ यार ओ माफ करना, सुक्रोज का भी यही होता है, सुक्रोज स्लैश मारा हुआ स्लैश। एक लास्ट है बच्चा, लिख देगा एक और आएगा जगह ना, 25 को नहीं, अब जोर से कहाँ पढ़ा दे यार सबका, जितना हमने लिखा था लिखा दिया, हाँ बहुत तो लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते, भूल गया, कुछ लिखने वाले थे हम, शुगर सुक्रोज, हाँ NH2CO, नाम बता इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, यूरिया, वैसे अल्कोहल भी बैठा सकते हैं, 25 को बढ़ा देंगे, अल्कोहल लिख देंगे, थायल अल्कोहल C2H5OH लिख देंगे, क्या दिक्कत है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे, बहुत लिख देंगे, क्या करेंगे, यूरिया लिख लोगे, इतना काम का चीज़ है, ठीक है। सो इसको नोट करो, ये सब कॉमन, पहला दूसरा यहाँ से स्टार्ट करोगे, फिर यहाँ से हो गया, ओके चलो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, हाँ दिख रहा है जी पूरा।